बच्चों आज हम सभी सीखेंगे, पिछले दिन हम लोगों ने सीखा था कर्ता कारक। क्या सीखा था? कर्ता कारक में हम लोगों ने सीखा था कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, वह जाता है सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं तव गच्छतः, वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था, समझा था और समझने का ये प्रयास किया था कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्ता में प्रथम व्यक्ति लगती है। ठीक है, कर्ता में प्रथम व्यक्ति लगती है और ये कर्ता की जो क्रिया है वो सदैव कर्ता के अनुसार ही होती है। ठीक है, ये जो क्रियापद है वो हमेशा कर्ता के अनुसार ही प्रयोग होती है। जैसे सह एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की है, ती गच्छति तौ गच्छतः, यहाँ पर द्विवचन में है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, द्विवचन हो गया, गच्छतः, ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। अब ये हम लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 में कर्म पर उतना जोर नहीं दिया गया, परंतु क्लास 6 में आपको कारक परिचय प्राप्त करना है और कारक परिचय में हम लोग आज जानेंगे कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। तो कर्म कारक में हम लोग लगाते हैं द्वितीय व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति लगाते हैं? तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हुए हम लोग सीखेंगे वाक्य का निर्माण। और द्वितीय व्यक्ति में जो लगता है वो आपको पहले से पता है। कैसे पता है? बालकः बालकौ बालकाः प्रथमः, तो ये प्रथम व्यक्ति में होता है ना। और द्वितीय व्यक्ति में क्या होता है? बालकं बालकौ बालकान द्वितीया, वैसे ही रामं रामौ रामान द्वितीया। तो अम औ अन और कारक पे लगाते हैं, आपको पहले से पता है, अस्मान में भी पता है, माम आवाम अस्मान द्वितीया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। रामः विद्यालयं गच्छति, अब ये सारे के सारे क्या हो गए? कर्म हो गए। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता की अत्यंत इच्छा को कर्म कहते हैं। और कर्ता की इच्छा क्या है? कि विद्यालय जाए, है ना। तो रामः विद्यालयं गच्छति, राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। गच्छति क्या हो गया? क्रिया। राम के अनुसार गच्छति हुआ। उसी तरह से यदि अहम रहेगा तो क्या हो जाएगा? गच्छामि हो जाएगा। ठीक है, तो अब रामः विद्यालयं गच्छति, रामः कार्यालयं गच्छति, रामः अयोध्यां गच्छति, रामः अयोध्यां गच्छति, रामः वाटिकां गच्छति, रामः देहलीं गच्छति, रामः गृहं गच्छति, रामः मंदिरं गच्छति। तो इस तरह से राम को तो हमने भेज दिया, अब अपनी बारी है। तो अपनी बारी बताने के लिए अनिर्वण मुखोपाध्याय आएंगे और बताएंगे अपनी बारी। हाँ, खड़े हो जाइए, इधर आइए, यहाँ खड़े हो जाइए, उधर मुख करके। हाँ, अब बोलिए। अहम विद्यालय गच्छामि, अहम कार्यालयं गच्छामि, अहम अयोध्यां गच्छामि, अहम वाटिकां गच्छामि, अहम देहलीं गच्छामि, अहम गृहं गच्छामि, अहम मंदिरं गच्छामि। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसी तरह से आइए, पूरा दोनों बोलिए। आप आदि रामः विद्यालयं गच्छति, रामः कार्यालयं गच्छति, रामः अयोध्यां गच्छति, रामः वाटिकां गच्छति, रामः देहलीं गच्छति, रामः गृहं गच्छति, रामः मंदिरं गच्छति। अहं विद्यालयं गच्छामि, अहं कार्यालयं गच्छामि, अहं अयोध्यां गच्छामि, अहं वाटिकां गच्छामि, अहं देहलीं गच्छामि, अहं गृहं गच्छामि, अहं मंदिरं गच्छामि। तो इस तरह से आपने क्या सीखा? कि कर्म में हमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है और वाक्यों को बनाना है। तो ये सारे कौन से वाक्य हो गए? कर्म कारक के वाक्य। कौन से कारक के वाक्य हो गए? कर्म कारक के वाक्य हो गए। अब हम सभी कर्म कारक का वाक्य तो अभ्यास कर लिए, अब जो दूसरा, ये जो तीसरा कारक है
अभी तक हम लोगों ने देखा था कर्ता कारक, फिर देखा हम लोगों ने कर्म कारक, अब हम लोग देखेंगे करण कारक। ठीक है, करण कारक को बारीकी से समझना है और बढ़िया ढंग से समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अरे अहम हस्त लिखा में लिखा है। ठीक है, इसको करेक्ट करना है, इसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। क्यों करेक्ट करना है, क्योंकि इसमें सब के सब करण है। क्या है, क्या है, करण। करण कैसे है, किसी भी काम के करने में जो सहायता प्रदान करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं, ठीक है, बात समझा रही है सबको। किसी भी काम के होने में जो सहायक होता है वह कर्म कारक कहलाता है। क्लियर। जैसे हम लोग बोलते हैं, किससे बोलते हैं, मुंह से, तो मुंह क्या है, हम मैंने पकड़ रखा है, तो ये कौन सा कारक हो गया, मैंने पकड़ रखा है, किससे पकड़ रखा है, हाथ से, तो मैंने हाथ से पकड़ रखा है, तो ये हाथ क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा करण, क्योंकि ये हाथ पकड़ने का ये साधन है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें करण कारक में कौन सी भक्ति लगाएंगे, तो द्वितीय भक्ति लगाएंगे। तो करण कारक में द्वितीय भक्ति होती है, तो द्वितीय भक्ति में होता क्या है, रामेण रमाभ्याम रामैर्दिया एना आभ्याम ऐहो तत्प्रिया, एना आभ्याम ऐहो तत्प्रिया। ठीक है, और आकारांत रहेगा तो अया आभ्याम आभि, अया आभ्याम आभि, लतया लताभ्याम लताभि। तो ये अब इसमें हम लोग को ऐसे ही करना है। चलिए लगाइए, अहम हस्त, पहले मैं बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। अहम हस्तेन लिखामि, अहम दंडेन ताड़यामि, अहम मुखेन वदामि, अहम द्विचक्रिकया गच्छामि, अहम नासिकया विद्रामि, अहम अंगुल्या दर्शयामि। चलिए शुरू कीजिए। अहम हस्तेन लिखामि, अहम दंडेन ताड़यामि, अहम मुखेन वदामि, अहम चलो आर्यन, अहम हस्तेन लिखामि, अहम दंडेन अहम मुखेन वदामि, अहम द्विचक्रिकया गच्छामि, अहम नासिकया जिघ्रामि, अहम अंगुल्या दर्शयामि। चलिए बैठिए। तो ये आप लोग कर्म कारक समझ में आ गए। तो आज हम सबने सीखा कर्ता कारक की पुनरावृत्ति और कर्म कारक और करण कारक। अगले दिन हम लोग जानेंगे संप्रदान कारक। तब तक आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें।